हे पबजी प्लेयर्स एंड बीजीएमआई प्लेयर्स, क्या हाल है, कैसा चल रहा है आप लोगों का गेमिंग कमेंट में बताइए। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपका अकाउंट बैन होने से सेव करेगा तुम्हारा भाई। इसके अलावा 1.7 अपडेट में आप लोगों को नया मैप देखने को मिलेगा, मतलब मैप के अंदर नया मोड देखने को मिलेगा। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि ये सारे के सारे डाउनलोड नहीं होगा, मैप डाउनलोड प्रॉब्लम जो होता है हमेशा। इसके अलावा आप लोगों को गेम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा और कुछ कुछ प्रॉब्लम के लिए आपका अकाउंट बैन भी हो सकता है। वो सारे के सारे चीज़ों का सलूशन आज की वीडियो में तुम्हारा भाई देगा, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट इट। सो प्लेयर्स, क्या हाल है और एक नए वीडियो में आप लोग स्वागत है। तो भाई देखो, बेसिकली मैं नहीं बोलता कि भाई स्किप करके मत देखो, तो आज बोल रहे स्किप करके मत देखो पबजी प्लेयर हो या फिर बीजीएमआई, क्योंकि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलने वाले हैं। एंड इसके अलावा गेम टेक शॉट को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लिंक है, गेम टेक शॉट को सब्सक्राइब करो क्योंकि उधर हम लोग लाइव स्ट्रीम आते हैं। हालांकि दो दिन से पर्सनल रीजन की वजह से लाइव स्ट्रीम नहीं आएंगे एंड बहुत जल्दी हम लोग उसके बाद 30 डेज का बीजीएमआई का कस्टम रूम स्टार्ट कर देंगे, तो आप लोगों का गेमिंग लेवल अलग लेवल पर ले जाएंगे। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में बढ़ते हैं। तो पहले आता है जो डाउनलोड प्रॉब्लम, तो यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई हम लोगों का मैप डाउनलोड नहीं होता, मोड डाउनलोड नहीं होता। और 1.7 में कुछ चेंजेस हुआ है जो आप लोगों को बीजीएमआई के अंदर नहीं, पबजी मोबाइल के अंदर मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो सेम ही है, बीजीएमआई के अंदर भी सेम ही है। तो आप लोगों को इधर चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो ये आप लोगों को क्लिक करने के बाद आप लोगों को सिंपल सा गेम रजिस्टर करना पड़ेगा एंड गेम रजिस्टर्ड होने के बाद आप लोगों को सिंपल सा गेम से बाहर चला जाएगा, मतलब रिस्टार्ट भी सही से नहीं होगा। तो आप लोगों को उसके बाद फिर से ओपन करना होगा, लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को डाउनलोड हो जाएगा। क्यों हो रहा है भाई ये मैं बताता हूँ। भाई आप लोगों को सभी को पता है भाई, 1.7 अपडेट हो या फिर 1.6 1.5 जब भी अपडेट आता है तो कुछ ग्लिच आता है, कुछ बग्स आता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम आता है मेजर। एंड मैं बताना चाहूँगा बीजीएमआई के अंदर भाई, पबजी में तो कम आता है फिर भी बीजीएमआई के अंदर इतना सारा प्रॉब्लम आता है, इतना लैगी हो जाता है गेम, तो भाई क्या ही बताए। तो इसके ही सलूशन के लिए मैं मैप का दिया हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ भाई आपका गेमिंग एक्सपीरियंस सलूशन। तो आप लोगों का गेमिंग एक्सपीरियंस में आप लोगों को जो जो प्रॉब्लम होगा वो मैं पहले बता देता हूँ। आप लोगों को मेन प्रॉब्लम होगा इवेंट जो है, इवेंट के कुछ कुछ इवेंट पे आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये प्रॉब्लम पबजी मोबाइल के अंदर भी है। आप लोगों को ऐसा एक इवेंट मतलब जगह देखने को मिलेगा इडंगल में, और इधर आने के बाद आप लोग जब ऊपर जाओगे, हर जगह पे नहीं है बट जस्ट ये वाली मोड पे, मतलब ये जो मैप पे देख लो ना ब्लू कलर की, इस पोजीशन में आओगे तो ये पोजीशन में आप लोगों को ये ग्लिच देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये ऊपर तो सही से जा रहा है, सब कुछ बिंदास है, एंड ऊपर जाने के बाद देख सकते हो एक ग्लिच होता है। अभी ये ग्लिच में आपको नीचे भी फेंक दे सकता है, मतलब आपको ये मोड पे एंट्री भी नहीं मिल सकता, नीचे भी फेंक दे सकता है। ठीक है, मेरे साथ 3 बार हुआ, उसके बाद जाके 4th बार मुझे गेम में एंट्री मिला। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसमें घबराने की भाई कोई बात नहीं है, कुछ दिन बाद मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो लोग खुद फिक्स करेगा। देखो गेम डेवलपर तो हम नहीं है, तो भाई हम अगर होते तो भाई ये बग्स नहीं लाते, तो वो लोग ये फिक्स कर देगा। और एक बात, अभी आते अकाउंट बैन के ऊपर, तो भाई जो इंपॉर्टेंट है तो ये बात थोड़ा ध्यान में सुन लेना, पबजी वालों एंड बीजीएमआई वालों, खास करके बीजीएमआई वालों। आप लोगों को याद ही होगा इसके पहले एक बार क्या हुआ था, एक ग्रेनाइट का स्क्रीन में कुछ ग्लिच हो गया था, तो भाई वो पब्लिक का प्रॉब्लम नहीं था, मतलब पब्लिक का दोष नहीं था, पब्लिक उसको यूज़ कर रहा था, बट क्या करा बीजीएमआई वो जो जो यूज़ किए उन लोगों का अकाउंट बैन किया। तो भाई जितने भी ग्लीचेस होगा गेम के अंदर वो ग्लीच का फ़ायदा मत लेना, क्योंकि हो सकता है इस बार आपका अकाउंट बैन हो, पहले आपका दोस्त का अकाउंट बैन हुआ था, ऐसा हो सकता है। तो ग्लीच का फ़ायदा जितना कम लोगे उतना सेफ रहोगे। ठीक है, एंड मैं बताना चाहूँगा कि भाई आप लोगों को ऐसा कोई ग्लिच 2-3 बार देखने को मिलता है तो आप लोग स्क्रीन रिकॉर्ड करके रख देना, मुझे भी सेंड कर सकते हो, एंड जब बैन कर देगा आपका अकाउंट तो वो अनबैन कराने में वो रिकॉर्ड आपका हेल्प करेगा। ओके, सो गाइस 1.7 के अपडेट बहुत ही ओपी है और कुछ कुछ प्रॉब्लम भी आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसे जितने भी मैंने बताया, तो ये प्रॉब्लम से घबराने की नहीं है भाई, आप जस्ट खेलते रहो, एंजॉय करते रहो। 30 डेज का कस्टम रूम भी हम लोग ला रहे हैं, तो आप लोग जस्ट खेलते रहो। तो आई होप आज की ये वाली वीडियो ना आप लोगों को थोड़ा भी होगा तो काम का लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ एक नया ओपी वाला कतई जहर वाला वीडियो के साथ।